आज तेरा आखिरी एग्जाम है, अच्छे से लिखना। चले? नहीं दादा, मैं खुद अकेले ही पेपर देने चली जाऊंगी। अकेले क्यों जाएगी तू? गलती अकेले की है तो उसका सामना भी मुझे अकेले ही करने दीजिए। अगर आप सब मुझे बचाते रहेंगे तो खुद कैसे जूझ पाऊंगी मैं जिंदगी से? थोड़ा लड़खड़ाऊंगी, हो सकता है गिर जाऊं, पर गिर कर उठूंगी जरूर, और उठकर दोबारा चलने की कोशिश करूंगी मैं दादा। बस एक बात कहना चाहती थी आप सबसे, मैंने रणबीर जी से इसलिए शादी की क्योंकि मैं सच में उनसे प्यार करती। ये नहीं पता था कि उन्होंने ये रिश्ता मुझसे इसलिए जोड़ा क्योंकि वो आप दोनों का रिश्ता तोड़ना चाहते थे। पर दादा, मेरे लिए आपका और भाभी का रिश्ता मेरे इस रिश्ते से कई ज्यादा मायने रखता है। मैं किसी को भी आपके रिश्ते के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं अब अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। आप लोग जाकर ये रिश्ता तोड़ दीजिए। चाहिए दादा, रणबीर जी से कह दीजिए कि मैं इस शादी को नहीं मानती। शांति, फख्र है मुझे तुझ पर, कोई चिंता नहीं मुझे तेरी। जो हुआ उसे भूल जा, आज यहीं से तेरी एक नई जिंदगी शुरू हो गई। हम सब साथ खड़े रहेंगे तेरे हमेशा। मिस्टर खन्ना और उसकी बहन को जवाब देने का वक्त आ गया है। रघु, तूने जो न्यूज़पेपर्स रखे हैं उसको उठा ले, वो भी वहां पे साथ में लेके जाएंगे। अरे ये क्या कर रही है तू? बहने पैर नहीं छूती। ऑल द बेस्ट। आज बता देते मिस्टर खन्ना को कि मुझे और मेरे परिवार को तोड़ना आसान नहीं। मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना, ये देखो आजादी, मुक्ति मेरी बहन की। क्या लगता है तुम्हारे इस घटिया धोखे से मेरी बहन टूट के बिखर जाएगी? एग्जाम देने गई वो अपना अपनी जिंदगी की बागडोर को दोबारा अपने हाथ में लेकर। और तुम
क्या बोलोगे तुम? ये मेरी बहन बहुत स्लो है, जिसको तुम कमजोर और लाचार समझती हो, उसी ने पहचाना है तुम्हारे धोखे को और ठुकराया तुम्हारा रिश्ता। शांति में भी फौलाद की ताकत हो सकती है। बहुत फर्क है कार्तिक की बहन और मिस्टर खन्ना की बहन। एक बहन तुम जो अपनी खुशी के लिए अपने भाई से झूठ बुलवाकर, धोखा दिलवाकर किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रही है, और एक बहन शांति है जो अपने भाई और उसकी पत्नी के रिश्ते के बीच किसी को नहीं आने देती। और आप मिस्टर खन्ना, मैं जानती हूँ कि आपके बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, पर आप तो समझदार है ना, उसकी हर सही गलत जिद पूरी करते रहे। अगर आपने पहले ही दो थप्पड़ लगा दिए होते ना, तो आज किसी और की जिंदगी के साथ खेलना नहीं पड़ता आपको। ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती जिंदगी में जिसका कोई हल नहीं होता। आप कुछ सीखिए हमारी शांति से। घुटने नहीं टेके उसने आपकी इस घटिया और घिनौनी साजिश के सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निको, 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 मेरे घर में आके बकवास कर रही हो? I will kill you, मार दूंगी मैं तुम्हें। पूरा परिवार जब एक साथ हो तो कोई टूट के नहीं बिखर सकता। मुश्किलें आएंगी शांति की जिंदगी में, पर हम सब मिलकर उसे संभाल लेंगे, उसका साथ देंगे, अपनी शांति को कभी भी टूटने नहीं देंगे। मेरी बहन से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और आज के बाद दोबारा तुमने या इसने मेरी बहन की, हेलो, वो शांति ने ट्रक के सामने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। वाह, गुड न्यूज़। इसका मतलब
हमारा प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ है भाई। शांति ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, इसका मतलब she has feelings for you. आपके बिना नहीं जी सकती वो। प्लीज 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 शांति को बचा लो। आई नो आप मुझसे नाराज हो, ना तो कभी आपके मंदिर में आई हूँ और ना ही कभी प्रे किया है, पर शांति तो अच्छी लड़की है ना भगवान जी, प्लीज उसको बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। कार्तिक से कोई भी डील नहीं कर पाएगा, हम उसके लिए प्रे करेंगे। भाई प्लीज आप भी आओ मेरे साथ, शांति के लिए प्रे करो, हम सब मिलके शांति के लिए प्रे करेंगे। कमला ताई आओ, शांति की जिंदगी के लिए आरती करो। तेरे लिए तो मैं कुछ भी करेगी। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदी लाल विराजे। शांति की जान मैं दिल से मांग रहा हूँ बाबा, अपनी बहन के लिए जरूर खुशियां मांगी थी मैंने, पर शांति के लिए मौत नहीं, उसे कुछ मत होने दीजिएगा बाबा। एक्सीडेंट तो बहुत खतरनाक था लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया। आपकी बहन अब खतरे से बाहर। डॉक्टर पेशेंट का बयान लेना है, क्या उनसे बात कर सकते हैं? हाँ इस वक्त वो होश में है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। जी थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप उसे पूछताछ ना करें। आत्महत्या करना कानूनन जुर्म है और हमारे रिपोर्ट के अनुसार आपकी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, तहकीकात तो बनती है। जी सर जी माफ कीजिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप मिस्टर खन्ना को जानते हैं? जी। उन्होंने हमारे सीनियर को फोन किया है कि ये उनके घर का मामला है और ये केस वो खत्म करना चाहते हैं। मिस्टर खन्ना ने केस बंद क्यों करवाया, उन्हें क्या पड़ी थी? कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा क्यों किया तूने? मैंने तुझसे कहा था ना कि हम सब मिलकर संभाल लें, तूने ये कदम क्यों उठाया? तोड़ दिया तूने मुझे। सभी तुम इससे पूछ लो किसने ऐसा क्यों किया, मुझे तो नहीं बता रही है। तूने खुद ही हम सबको हिम्मत दी थी ना, तो फिर अचानक ये सब। मैं रणबीर जी के बगैर नहीं रह सकती, मैं उन्हें भूल नहीं सकती, आपको दादा को दर्द में भी नहीं देख सकती। मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम हो रही, तो मैंने सोचा कि मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। मर जाने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं रहता। परेशानियां तो सबकी जिंदगी में आती जाती रहती है, हम पर निर्भर करता है ना कि हम उन प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालें। जिंदा तो रह लूंगी, रणबीर जी के बगैर जिंदगी जिंदगी तो नहीं। प्यार तो सच्चा था ना मेरा भाभी, धोखा तो उन्होंने दिया मुझे, वो मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। मैं आपके और दादा के रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी भाभी, तो फिर मैं क्या करूं? आप भी कोई रास्ता दिखाओ भाभी, आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज कुछ कीजिए। पेशेंट को दवा देनी है, प्लीज आप बाहर जाइए।
सॉरी। शांति ने कुछ बोला? कार्तिक नहीं नहीं ऐसा कुछ बोलना। शांति को हम लोगों को ही संभालना होगा, तुम तो जानती हो मिस्टर खन्ना की नीयत में ही खोट है। शांति को चाहे जो भी लगे, लेकिन उसने तो अपना खेल खेल लिया ना। शांति के लिए मिस्टर खन्ना के दिल में जरा सी भी फीलिंग नहीं। मैं अपनी बहन को इस दलदल में नहीं धकेल सकता। सॉरी, बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे रिश्ते की नहीं, बात मेरी बहन की जिंदगी की भी है। मैं शांति को जिंदगी भर सराखों पे बिठा के रखूंगा, लेकिन उसे मिस्टर खन्ना के पास उसे नहीं जाने दूंगा। सॉरी, तुम भूल गई, तुमने तो कहा था कि इन सारी परेशानियों से हम सब मिलके बाहर निकलेंगे। सुनिए, तुम जाओ, शांति को समझाओ, वो तुम्हारी दोस्त है ना, तुम्हारी सहेली है, तुम्हारी हर बात मानती है वो। तुम समझाओगी ना, वो समझ जाएगी। कार्तिक, आप ऐसे टूट नहीं सकते, आपको हिम्मत रखनी होगी। कार्तिक, तो फिर जाओ ना सुरभि, उससे बात करो, उसे समझाओ, तुम ही कुछ कर सकती हो, प्लीज। आपकी बहन की डोली आपके घर से तभी उठेगी जब मेरी बहन की डोली आपके घर के लिए जाएगी। रणबीर जी के बगैर नहीं रह सकती, मैं उन्हें भूल नहीं सकती। आप भी तो चाहेंगे कि आपकी ननंद का घर बच जाए। मुझे किसी भी तरह मिस्टर खन्ना से बात करनी होगी, चाहे उसके लिए मुझे बर्वे हाउस ही क्यों ना जाना पड़े। मिस्टर खन्ना, एक ओंकार गुरुद्वारा करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप्पे चुप न हो वही जे लाए रहा लवतार भुखिया भुख न उतरी बन्ना पुरिया पार सह स्याण पालक हो ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना। मिस्टर खन्ना, कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको मिस्टर खन्ना? शांति को मौत की कगार पर लाकर खड़ा करने वाला इंसान, रब के सामने घुटने टेक कर उसकी जान की दुआई मांग रहा, इंसान जब आंखें नहीं मिला पाता ना, तो उसकी दो वजह होती, या तो वो अपने किए के लिए शर्मिंदा होता है, या तो उसे डर होता है कि उसकी असलियत किसी के सामने ना आ जाए। और दोनों की सूरत से एक ही बात समझ आती है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मिस्टर खन्ना, जब आप अपने पापों का प्रायश्चित करने यहाँ पर आ ही गए, आप अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हैं? ये जो दिल है ना मिस्टर खन्ना,
ये कोई खेलने की चीज नहीं होती। एक बार लग जाता है तो हजारों उम्मीदें पनप जाती है। आपकी बिजनेस की तरह जोड़ घटाव नहीं है, ये ऐसा करो तो ये मिल जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए, खींच कर ले आए ना बाबा आपको अपनी दरबार में। आपके घुटने टिकवा ही दिए रब के सामने। सच्ची सेवा करना चाहते हैं ना आप रब की, इसीलिए आप ऐसे जूते चप्पल साफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जूते चप्पल साफ करने से, छूटे बर्तन मांजने से कुछ नहीं होगा। आप घर जाइए और अपनी बहन की गलती को सुधारिए, उसे सही दिशा दिखाइए, क्योंकि जो आप चाहते हैं ना वो कभी नहीं हो सकता। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए उस दिन, ना तो कभी मैं अपने परिवार को टूटने दूंगी और ना ही बिखरूंगी।